मेरी चीज़ ग्रिल सैंडविच को तो आपने बहुत प्यार दिया, अब मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आपके साथ शेयर कर दूँ एक वेज चीज़ ग्रिल सैंडविच, जो कि बहुत ही इजी है। और सबसे मज़े की बात यह है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, या फिर कम या फिर ज़्यादा। तो चलिए क्यों ना स्टार्ट करते हैं। हाय, मैं हूँ शाहीन एंड वेलकम बैक टू कुक विद शाहीन। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग फिलिंग की तैयारी करेंगे। तो फिलिंग के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है बॉइल्ड कॉर्न्स, ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ कैप्सिकम 1/4 कप, इसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है, छोटे क्यूब्स में कट किया है। अब मैं यहाँ पर लूँगी अनियंस को भी मैंने छोटे क्यूब्स में कट किया है 1/4 कप, ये भी मैंने लिया हुआ है। ये मैं 4 सैंडविच बनाने के लिए फिलिंग बना रही हूँ, पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो फिलिंग थी ये मेरी बच गई थी, तो आप 6 to 7 सैंडविचेस बना सकती हैं बहुत ही आराम से। तो सबसे पहले ये जो हमने वेजीज डाली हुई थी ये मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। उसके बाद डालेंगे इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच मोज़रेला चीज़। तो मोज़रेला चीज़ की क्वांटिटी जैसा कि मैंने बताया, सब कुछ आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, तो चीज़ भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ पर ये मैं मेयोनीज़ डाल रही हूँ, वो 1/4 कप डाल रही हूँ मैं, तो इसकी क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर शेज़वान सॉस डाल रही हूँ, तो अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा नहीं पसंद करते हैं या आपको शेज़वान सॉस नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे तो बहुत पसंद है इसलिए मैंने डाला हुआ है। उसके बाद स्वीट चिली गार्लिक सॉस आता है, वो मैंने डाला हुआ है, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसकी खुशबू और इसमें जो गार्लिक का टेस्ट है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो ये जो है ये मैंने डाला हुआ है। आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, जिसमें कि जो चीज़ है वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। सारी चीज़ को मिक्स कर लेंगे। आपने अगर मेरी अभी तक चीज़ ग्रिल सैंडविच की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैंने और भी रेसिपीज़ दी हुई है। चीज़ ग्रिल सैंडविच का भी लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे दिया है, और उसके अलावा मैंने और भी रेसिपीज़ दी हुई है जो आप बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। तो जल्दी से कॉमेंट चेक करिए और वहाँ पर दिए गए लिंक पर क्लिक करिए। उसके बाद ये 4 ब्रेड मैंने लिए हुए हैं, और 4 ब्रेड्स में मैंने यहाँ पर टोमेटो सॉस इस तरह से मैं डाल दूंगी और सब में स्प्रेड कर दूंगी। तो टोमेटो सॉस आपके पास जो भी रखा हो आप वो डाल सकते हैं। इससे इजी सैंडविच आपने कहीं भी नहीं देखी होगी। इसके बाद इस तरह से सारे सॉस को मैं इस तरह से स्प्रेड कर दूंगी। अब सारी फिलिंग जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जिस हिसाब से आपको डालना हो, या फिर जो भी आप साइज़ का ब्रेड ले रहे हैं उसमें अच्छी तरह से फिल हो जाए, उस तरह से सैंडविच आपको फिलिंग डालनी है। तो ये चौथे वाले ब्रेड में भी डाल दिया है। अब इन सभी को एक मैं प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूंगी, और जो इसके ऊपर हमें ब्रेड लगाना है, यानी कि जो कवर वाला ब्रेड होता है, जो कवर करना है हम लोगों को, अब उसमें मैं लगाने वाली हूँ हरी चटनी। तो हरी चटनी यहाँ पर मैं डाल दूँगी, आप मार्केट बॉट हरी चटनी भी ले सकते हैं, वो भी इसमें लगा सकते हैं। तो मैं ये ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने शेज़वान सॉस डाला हुआ है, तो ये मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि दोनों जो ब्रेड्स थे मैंने दोनों साइड पर बटर पहले से लगा कर रखा हुआ था। तो अब इन सभी को आपस में कवर कर देंगे, और ये ऊपर से भी एक बार ब्रेड बटर मैं यहाँ पर लगा देती हूँ ब्रश की हेल्प से, इसको अच्छी तरह से लगा देंगे सबके ऊपर। उसके बाद इसमें मैंने अवन में इसको ग्रिल किया है, 180 डिग्रीज पर किया है 5 to 10 मिनट्स के लिए। और ये रही क्रिस्पी ग्रिल सैंडविच, जो कि वेज है, बहुत ही इजी है गाइस। इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट करके कि ये कैसी बनी। और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसके पास जो बेल बटन है वो ज़रूर दबाएं। मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।